Good evening all. Welcome to Conversation with India's Margins, जो third edition है. आज का जो theme है life on the, life on the move, addressing the concerns of circular migration in India. आज का जो event है वो CES ने ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विथ न्यूज क्लिक एंड हैबिटेट सेंटर. इस इवेंट का मेन उद्देश्य है जो इंडिया में सर्कुलर माइग्रेट होते हैं जो अदर स्टेट से, उनका किसी एक जगह पे काम नहीं होता है परफेक्टली, सो वो अदर स्टेट में अदर दूसरी जगहों पे काम करने के लिए जाते हैं. तो उन्हीं के लिए, जैसे अभी इलेक्शंस हुए हैं तो उनके लिए कोई वोटिंग का कुछ गवर्नमेंट की तरफ से था नहीं, फिर उनके लिए ना उनके बच्चों के लिए ICDS का कुछ पॉलिसी बनी है, ना PDS का कोई सिस्टम है उनके लिए. सो वही उसी कंसर्न को रेज करने के लिए हमने उन माइग्रेंट वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है जो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स और एकेडमिशियन से आके चर्चा करेंगे, अपने अनुभव के बारे में बताएं, अपना अनुभव शेयर करेंगे और अपना आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके उनसे क्या उनके एक्सपेक्टेशन है जो आएगी. तो मैं इसलिए इनवाइट करना चाहूँगा शर्मा बेन और स्वाति बेन बांधखाम विकास संगठन से, सिकेंद्र और इंदल कुमार जी जो माइग्रेंट वर्कर है अररिया बिहार से. मैं प्रियंका जैन जी का भी स्वागत करना चाहूँगा जो आजीविका से आए हैं. अब मैं संदीप को इनवाइट करना चाहूँगा जो यहाँ फिल्म स्क्रीनिंग होने वाले है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे. तो मेरा नाम संदीप है और मैं कार्रवाई मोहब्बत मीडिया टीम में का पार्ट हूँ और हम लोग जो कहानियाँ कहते हैं मीडिया टीम में वो हेट क्राइम विक्टिम्स फैमिलीज़ की कहानियाँ और वॉइसेस ऑफ द मार्जिन्स उनके बारे में और भी बहुत तरीक़ों की हम कहानियाँ कहते हैं. तो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी दिसंबर लास्ट वीक में. तो हमें बुलाया गया था मीडिया टीम को कारवा के और CES के लोगों ने CES की टीम ने कि आपको एक माइग्रेंट वर्कर्स पर फिल्म बनानी है. तो कोई सुन रहा है? हाँ ओके. तो दिसंबर में लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में मैं और अंकुर हम लोग खन्ना पंजाब, तो हमें बताया गया था कि बिहार से कुछ लोग पलायन करते हैं और वो पंजाब जाते हैं गुरुद्वारा बनाने के लिए और वो एक ख़ास कम्युनिटी के लोग हैं. तो और वहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो उनको फिर पलायन करना पड़ता है. तो हम लोग गुरुद्वारे गए, वहाँ पे हम सिकेंद्र से मिले और वहाँ पे हमने तीन लोगों से मुलाकात करी. तो एक है कमलेश्वरी जो कि 85-86 में पलायन किए थे, तो वहाँ तो उनकी उम्र अभी अच्छी खासी हो गई है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और कुछ बच्चों की शादी भी हो गई है. एक वो कहानी थी, एक सिकेंद्र की कहानी जो कि उनकी अभी बच्चे बहुत छोटे हैं और एक यंग माइग्रेंट वर्कर 17 साल के प्रदीप जो कि इनके ही साल हैं. तो हमने तीन एज ग्रुप की कहानी हमने रिकॉर्ड करी और इंटरव्यू किया सारी चीज़ें. तो उसमें उन तीनों में से हमने एक की कहानी हम आज दिखाएंगे जो हमने बनाया है. यही है
पढ़ना चाहते थे, पर पढ़ने के लिए उसमें पैसा लगता था, उतना हो नहीं पाता था। हमारा डैडी है, उसका जो है लक टूटा हुआ है, वो भी पंजाब में ही काम करता था। कार सेवे में ही रहता था। उसको जो है गराई करता होता है, वो वही बोरी उठाने के लिए गया था, तो बोरी उठाने गया तो डांड में मचक पड़ गया, तो अभी तक ही है। तब से उसके बाद नहीं आया पंजाब, तब से हम ही लोग आने लगे। पूरा गुरुद्वारा बनाने आते हैं, सब कुछ। पटियाले आए, बस वहाँ से हम को लेबर में लगाए, तो हम लेबर में काम करने लगे। उसके बाद हम चले गए मुक्सर, चले गए मुक्सर में, गए जब वहाँ पे देखा इतना ऊपर में काम करता है, तो ये काम करने वाला है, तो हमको मिस्त्री में लगाया। उसके बाद यहाँ पे आए मंजी साहब में, तो वहाँ पे हमको काम सिखा दे, बोला कि ये मिस्त्री सीखने वाला है, इसको मिस्त्री में लगा दो। जब पूरा काम सीख गए वहाँ पे, ये हमको बुला लिया, तब से मैं इधर ही। इतना अच्छा काम जानते हैं, पर लेकिन ये काम सबके पास के बात भी नहीं है, नाले ये काम खतरों से भी खेल के ही काम। 200 फुट 100 फुट इतना ऊंचा में ये सब चीज़ बनता, इतना ऊंचा बंदे बनाने के लिए बना तो लेता है, जब कोई चीज़ हो भी जाता है तो सब बंदा पीछे हटने लग जाता है। काम तो करता था, पर लेकिन रिक्स वाला काम किया। वो गोल्डन कलर का गुम्बज का पेंट करता था, सबसे ऊंचाई में 100 फुट ऊपर में था। दोनों साइड में रस्सी बांध दिया, उस पर खड़े हो गया, दोनों साइड में दोनों बंदे को पकड़ा दिया, ऊपर से उस पर बैठ गया, वो फट्टा टूट गया, नीचे गया, बस ख़त्म हो गया। वो बड़े बड़े आदमी था, 10-50 हज़ार रुपया, लाख रुपया दिया उसको घर वालों को, बस वो बात वहीं पर दबा दिया।